Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। 31 मार्च 2010 का आपका सामने ट्रायल बैलेंस दिया होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, क्रेडिट साइड पर सेल, रिटर्न आउटवर्ड, बहुत सारी फिगर्स दी हुई हैं। नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई हैं बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक हमारे को बताते हैं 31 मार्च 2010 को है 6,800 का। मशीनरी पर डिप्रिसिएशन लगाना है 10%, पेटेंट्स पर 20%। सैलरी मार्च मंथ की आउटस्टैंडिंग है 1500 बच्चों। इंश्योरेंस के अंदर एक प्रीमियम 170 रुपीज का ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि पॉलिसी 30 सितंबर 2010 को एक्सपायर हो रही है। फर्दर बैड डेट्स भी दिए हैं क्वेश्चन में 725 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% और बनाना है बच्चों। और रेंट रिसीवेबल है 1000 रुपीज का। तो ये बड़ी सारी एडजस्टमेंट के साथ हमारे सामने ट्रायल बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। जैसे कि तुम जानते हो बच्चों, सबसे पहले हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5760 रुपीज का। उसके बाद परचेजेस चाहिए बच्चों। सो परचेजेस की फिगर हमारे को दी है 40,675 और परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड के नाम से क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है 40,175। क्रेडिट साइड पर सेल्स पे गए, सेल्स है 98,780 और उसमें से सेल्स रिटर्न्स यानी कि रिटर्न इनवर्ड 680 माइनस किया तो 98,100 के फिगर में। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नीचे दी हुई है बच्चों आपके सामने 6800 और इससे हमारा टोटल आ गया 104,900। अब हमें देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो वेजेस है बच्चों 8480, एक फ्यूल एंड पावर है 4730 एंड एक कैरेज ऑन परचेज है 2040। बैलेंसिंग फिगर बच्चे 43,715, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को बच्चों नीचे ट्रांसफर किया 43,715 और अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम शो करना शुरू कर रहे हैं बच्चों। हमारे सामने ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चलने तो वेजेस हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ है 3200 सीरियल वाइज चलते हैं बच्चों। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, बिल्डिंग फ्री होल्ड लैंड मशीनरी हमारे लिए एसेट्स हैं, सैलरी दिया हुआ है 15,000 और नीचे एडजस्टमेंट में सैलरी 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग दी हुई है तो टोटल हो गया 16,500 रुपए। उसके बाद बच्चों पेटेंट्स दिया हुआ है, एसेट होती है, जनरल एक्सपेंसेस 3000 एज इट इज कोई चेंज नहीं, इंश्योरेंस 600 दिया हुआ है और जिसके अंदर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इंश्योरेंस में 170 रुपीज का प्रीमियम ऐसा इंक्लूडेड है जो 30 सितंबर 2010 तक चल रहा है। हमारा ईयर तो 31 मार्च को ही क्लोज हो रहा है बच्चों, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। आई रिपीट, इस इंश्योरेंस में 170 का प्रीमियम ऐसा है जो 30 सितंबर तक चलना है पर हमें तो सिर्फ 31 मार्च तक देखना है, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का इसमें प्रीपेड हो गया तो 170 रुपीस अगर पूरे साल का है तो 6 मंथ्स का बच्चों 85 रुपीस प्रीपेड हो गया, 85 रुपीस प्रीपेड हो गया। मैं दोबारा लिखकर दिखाता हूं, 170 रुपीस अगर 12 मंथ्स का है तो 6 मंथ का कितना होगा 85 रुपीस। ये यहां से हम माइनस कर देंगे, जितने भी हमारे प्रीपेड हैं या अनएक्सपायर्ड हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और नेट फिगर बाहर दिखा देंगे 515 रुपए के। एम आई राइट? ये एक अच्छी एडजस्टमेंट दी हुई थी। इसके बाद ड्रॉइंग्स और डेटर्स दिए हुए, क्राइट साइड पर हमें रेंट दिया हुआ है 9000 रुपीज का और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कि रेंट रिसीवेबल है 1000 रुपीज का तो टोटल हमारी रेंट आ गया 10,000। इसके बाद एडजस्टमेंट में चलते हैं, कह रहे हैं मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 10% से और मशीनरी की फिगर दी हुई है 20,000 तो 20,000 का 10% 2000 मशीनरी दिखा दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं पेटेंट्स को 20% डेप्रिसिएशन लगाना है और पेटेंट्स की फिगर दी हुई है 7500 तो 7500 का 20% 1500 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब इसके बाद टू बैड डेट्स, बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में देखने पड़ेंगे, ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स नहीं दिए हुए।
एड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स ये बच्चों 725, एड न्यू प्रोविजन टू बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। फिलहाल इसमें ओल्ड प्रोविजन तो कोई नहीं है, तो अगर आप चाहें तो बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को अलग अलग भी दिखा सकते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन में आप देखा है। न्यू प्रोविजन बनाने के लिए पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को माइनस करते हैं। डेटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में हमें 14,500 रुपए के, और 14,500 रुपए के डेटर्स में से मैं आपके सामने कैलकुलेशन करता हूं। 14,500 रुपए के डेटर्स में से 725 रुपीस के फर्दर बैड डेट्स माइनस किए तो नेट फिगर बची 13,775, और 13,775 का 5% प्रोविजन कैलकुलेट किया 689 रुपीस आ गया। आई रिपीट, डेटर्स 14,500 के दिए हुए हैं, फर्दर बैड डेट 725 रुपए के हमने माइनस किए, बैलेंस बचा 13,775 और इस पर 5% 689 है। ये बच्चों ये 19,000 मुझे नजर आ रहा है, ये मिसप्रिंटिंग है, 13,775 फिगर है, 689 रुपीस का प्रोविजन बन गया। सो टू बैड डेट्स थे नहीं, एड फर्दर बैड डेट 725, एड न्यू प्रोविजन 689, लेस अगर कोई ओल्ड प्रोविजन होता, लेकिन था नहीं तो हमने अलग अलग फिगर दिखा दिया। ओके ठीक है, इससे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेशन करी तो नेट प्रॉफिट आ गया 25,586। ओके और अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में सारी एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं बच्चों। लायबिलिटी साइड पर पहले चलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 6,300 रुपीस के, शो कर दिए, और इसके बाद एक सैलरी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दी हुई थी 1,500, वो शो कर दिया। कैपिटल की फिगर दी हुई थी बच्चों हमारे सामने 62,000 रुपीस का, इसमें से जो ड्राइंग्स दी हुई हैं क्वेश्चन में 5,245 लेस कर दिया, और जो नेट प्रॉफिट है बच्चों उसको ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट अभी निकाला हमने 25,586 रुपीस, ये रही फिगर 25,586 ऐड कर दिया तो हमारे पास नेट फिगर आ गई 82,341। एसेट साइड पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। सबसे पहले कैश इन हैंड दिया हुआ है 540 का, उसके बाद कैश इन बैंक दिया हुआ है 2630 का, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दी हुई है बच्चों 6800 की, सारी करंट एसेट्स एक जगह पर आ गई। उसके बाद डेटर्स हैं 14,500, जिसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस किया और जो बचा था उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके नेट फिगर हमने शो करी। इसके बाद बच्चों एक और करंट एसेट है रेंट रिसीवेबल, हमें दी हुई है 1,000 रुपीस, और इंश्योरेंस प्रीपेड भी फिगर दी हुई थी 85। अब हम सारी अपनी फिक्स एसेट शो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले दी हुई है हमें बिल्डिंग, बिल्डिंग से पहले बिल्डिंग दी हुई है 32,000 की, फ्री होल्ड लैंड दिया हुआ बच्चों देन 10,000 का, उसके बाद एक मशीनरी दी हुई है 20,000, जिस पर 10% हमने डेप्रिशन लगाया 2,000, तो बैलेंस बचा 18,000। और बच्चों पेटेंट्स गिवन है क्वेश्चन में 7,500 के पेटेंट्स में से डेप्रिसिएशन 20% 1,500 रुपए माइनस किया 6,000 आ गया। सारी फिगर्स आपके सामने नजर आ रही होगी, एक बार मैं आपके सामने ट्रायल की फिगर दोबारा पढ़ देता हूँ। कैश इन हैंड दिया हुआ था हमने लिख दिया, कैश एट बैंक लिख दिया, परचेजेस की फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी, सेल्स रिटर्न सेल्स में माइनस कर दिया, वेजेस फ्यूल एंड पावर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, कैरेज ऑन सेल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, कैरेज ऑन परचेज भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम थी, बिल्डिंग फ्री होल्ड लैंड मशीनरी और पेटेंट्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स थी, सैलरी जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस कर दिया और डेटर्स करंट एसेट में शो कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से क्रेडिट साइड पर सेल्स ही हुई थी वो भी शो कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेजेस रिटर्न शो कर दिया, कैपिटल की फिगर लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे, और रेंट हमारी इन, और साथ में जो एडजस्टमेंट थी वो सब दो जगह पर आ गई, और अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए बच्चों, और बैलेंस शीट टैली है, गॉट इट। सो आपको एक बार चेक कर लेना है बैलेंस शीट टैली करने से पहले कि ट्रायल के आइटम एक जगह और सारी एडजस्टमेंट के आइटम दो जगह पर जब हम शो कर लेते हैं तो हमारी बैलेंस शीट बाउंड टू टैली होनी ही है। ठीक है, राइट।